भाई कड़क माल है, दिस इज कॉल्ड फकिंग हेल। भाई शैतान मूवी का ट्रेलर आ चुका है, उसको रिव्यू करने वाले हैं, और ट्रेलर ने जो आग लगाई है, जो अभी तक जीरो हाइप चल रही थी, भाई 100 गुना तेजी से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रेलर ने अपना काम पूरा कर दिया। जिस काम के लिए ट्रेलर को रिलीज करा जाता है, उससे मैं कह रहा हूँ 10 गुना बेहतर काम किया है। मतलब पूरी कहानी तो खैर पता हमें लगी गई कि मूवी आखिर होने क्या वाला है, लेकिन भाई जिस हिसाब से वो कहानी डिजाइन करी जाएगी, प्लॉट करी जाएगी, और अंदर उसके जो एंगेजमेंट तुम्हारी बढ़ती जाएगी, उसके बाद जो एविल करेक्टर हमें आर माधवन का देखने को मिल रहा है, वो कितना हद तक ब्रूटल निर्दयी होने वाला है, ये सारी चीज़ें भाई मूवी को ना सॉलिड एंड दमदार बनाते नज़र आ रही हैं। भाई ट्रेलर का रिव्यू करेंगे, क्या हमें मिलने वाला है, क्या और हो सकता है, लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद इसमें करेक्टर्स और कौन कौन आने वाले हैं, और कितना प्रॉमिसिंग है ये ट्रेलर, सब चीज़ों पर बात करने से पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब पहले बताऊं, डिटेलिंग पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, नाम विकास बहल, इस मूवी के साथ नाम विकास बहल जोड़ रखा है, लेकिन भाई डायरेक्शन में कह रहा हूँ बहुत ही दमदार डायरेक्शन होते नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाई इसमें अजय देवगन का हाथ है, दैट्स वाई कि ये इतनी दमदार डायरेक्शन हमें देखने को मिली, क्योंकि गणपत जैसी ताजी टट्टी जो इन्होंने हगी थी भाई, हम उसे तो देख कर आ चुके हैं, तो इतना उम्मीद नहीं था, लेकिन भाई ट्रेलर पहले बताऊं बहुत औसम है, डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आर माधवन का जो करेक्टर निर्दयी वाला निगेटिविटी का करेक्टर है, वो भाई साहब उसके फिजिकल बॉडी लैंग्वेज से भी देखने को मिल रहा है, मेज पर वो जूते में गंदगी चिपके रहना, भाई वो सॉलिड था। मूवी में ब्रूटैलिटी मैं कह रहा हूँ बहुत हद तक होने वाली है, और मूवी में वो फील कराया जाएगा, मतलब अजय देवगन और ज्योति का जो पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं, अपने सामने ही अपनी बच्ची को, इतना हेल्पलेस करेक्टर वो होने वाला है, सामने दुश्मन है लेकिन उसे चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और उनके सामने वो बच्ची तड़पती बिखरती नजर आएगी उनको। भाई ट्रेलर में 3 से 4 सीन्स ने पूरा सॉलिड हिला के डाला है, वो चाय पत्ती खाने वाला सीन, मेरे भाई गूज़बम्स खड़े हो गए थे, अनएक्सपेक्टेड था वो बिल्कुल, बाप को थप्पड़ मारने वाले सीन, क्या खतरनाक, देन चाकू से खुद ही के माँ के ऊपर वो वार करने वाला सीन, देन उसके बाद वो गैस सिलेंडर के ऊपर माचिस के साथ बैठने वाला सीन, भाई डायरेक्शन में काम तो हुआ है, मेहनत तो करी गई है इसकी राइटिंग में। दूसरा वो खुद ही को स्लैप करने वाला सीन, और एक नहीं दो नहीं कम से कम 4 से 5 बार वो स्लैप किया गया है, और वो आर माधवन का ऐसे बिल्कुल ब्रूटल निर्दयी करेक्टर, और वो उसे नचाया जा रहा है, ये सॉलिड था यार। मतलब आर माधवन का करेक्टर बहुत ही ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा निगेटिव, बहुत ज़्यादा निर्दयी होने वाला है, और भाई सिर्फ ट्रेलर से ही इसके जो करेक्टर है इसी से हेट होने वाली फील आ रही थी, तो जब हम इसको मूवी में देखेंगे, पूरी मूवी में जब उसके पास पूरी बड़ी स्क्रीन होगी और सब कुछ अपने डायलॉग्स होंगे और वो एक्शंस होंगे, तो इससे कितना ज़्यादा हेट होने वाला है, और जितना ज़्यादा इससे हेट होगा भाई साहब, इस करेक्टर का यूज पूरा सफल होते नजर आएगा। आर माधवन के लिए भाई लिटरली एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आखिर ये किस हद तक जाने वाला है, कौन सी ब्रुटैलिटी को क्रॉस कर जाएगा, कौन सी निर्दयता को ये क्रॉस कर जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए भाई मैं लिटरली एक्साइटमेंट है। दूसरा, और जो मेन लीड पर जो बच्ची है भाई, जानकी बोधी वाला, जो अजय देवगन और उसकी बेटी का रोल प्ले कर रही हैं, भाई वो भी करेक्टर क्या दमदार देखने को मिल रहा है, और जो वो खुद को स्लैप करना, मतलब एक कनेक्टिविटी यहीं से जनरेट हो रही थी, जबकि 2 मिनट 20-30 सेकंड में भाई इतना ज़्यादा फील कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन भाई ट्रेलर से बिल्कुल कनेक्शन सेट होते जा रहा था, क्योंकि उसके लिए दया आ रही थी कि यार काहे ऐसा कर रहे हो, तो पूरी मूवी में जब वो सामने आएगी और पूरा सब कुछ अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे, तो कितना हद तक टच करने वाला है वो सारी चीज़ें। कहानी एक नाइट की होने वाली है, पूरी रात भर में कहानी चलेगी 4 से 5 लोगों के बीच में, और सभी लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें से भाई खा जाने वाले हैं कौन, आर माधवन और जानकी बोधी वाला। तो भाई ट्रेलर ऑसम है, सॉलिड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो, क्योंकि भाई मूवी बहुत दमदार आने वाली है। दूसरा, मूवी 8 मार्च को रिलीज हो जाएगी, और मूवी है रीमेक गुजराती मूवी बस की, जिसमें सेम जानकी बोधी वाला जो इसमें रोल प्ले कर रही हैं मेन लीड पर, वही रोल प्ले उन्होंने अपनी बस मूवी में किया है। खैर मैंने गुजराती मूवी बस नहीं देखी है, तो मेरे लिए शैतान का जो कंटेंट है बिल्कुल फ्रेश है, और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, और बहुत ज़्यादा गूज़बम्स भी देख गया है, और डर तो बहुत ज़्यादा देखे जा रहा है। तो अगर आपने देखी है वो वाली मूवी, उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हो हमारे साथ। बाकी अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कितना हद तक यह प्रॉमिसिंग लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।